मैं एक जगह बैठा था, सामने टीवी चल रहा था, आवाज़ नहीं थी। मैंने देखा एक नौजवान नाच रहा है, डांस कर रहा है साहिल पर, और उसके साथ 10-12 लड़कियां वो भी डांस कर रही। मैंने देखा बहुत खूबसूरत नौजवान है, तो मुझे ख्याल आया ये जो इतनी बड़ी गुमराही में है इसको हिदायत कैसे मिलेगी, और कौन इसे जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाएगा। ये वहीं बैठे बैठे एक उसकी खूबसूरती और जवानी पे रहम आया, एक उसके पलटा खाने को मैंने बहुत मुश्किल समझा। ख्याल आके गुजर गया, मैं वहाँ से उठ गया। कुछ दिन उसका नक्श मेरे दिल दिमाग पर रहा, फिर महव हो गया, मिट गया। कराची का इज्तिमा था सितंबर में, तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा खेमा बनाया हुआ था कराची वालों ने, तो मैं वो खेमे में बैठा हुआ था, तो एक नौजवान मेरे पास आया, क्या जी पाकिस्तान का एक मशहूर गुलूकार है, उसका नाम है जुनैद जमशेद, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा किधर है? कहा मेरे साथ है। मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? कि मेरा क्लास फेलो था। मैंने कहा ले आओ। तो वो उसको जब लेकर आया तो उसने चेहरा छुपाया हुआ था, मजमे की वजह से शायद चेहरा पूरा से छुपाया हुआ, मेरे सामने आकर बैठा और यूं खोला तो वो वही नौजवान जिसको मैंने स्क्रीन पर नाचते देखा था। मैंने कहा आपका नाम? कहा जी जुनैद जमशेद। मैंने कहा क्या करते हो? कहा मेरा मौसीकी से ताल्लुक है। मैंने कहा गाते हो या बजाते हो? कहा जी मैं गाता हूँ। कहा ये जो दिल दिल पाकिस्तान है ये मैंने गाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बहुत मशहूर मिली नगमा है। कहाँ जी वो मैंने गाया। अच्छा, इसके बाद मेरी उससे क्या बात हुई अब 20 बरस होने को हैं याद नहीं, तासुर याद है कि उसने आगे क्या जवाब दिया। कहने लगा मेरा जी चाह रहा है आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं, मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे जख्मों पे मरहम रख रहा। मेरा एक और दोस्त भी है, मैं चाहता हूँ मैं उसको भी लेकर आऊँ, सलमान, वो भी आपकी बातें सुने। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा मैं एक सवाल करता हूँ, एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को, ग्लैमर कहते हैं रानाई अय्याशी दुनिया की मौज मेला, जिस मौज मेले को एक पाकिस्तानी नौजवान ख्वाब में देखता है वो मुझे हकीकत में हासिल है, मेरे पास है, लेकिन इसके बावजूद मेरे यहाँ अंधेरा है। क्या ये मेरे यहाँ अंधेरा है, ये दिल खाली है, मुझे यूं लगता है मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई साहिल नहीं, जिसका कोई घाट नहीं, बेमंजिल मुसाफिर हूं। अच्छा, बेमंजिल मुसाफिर हूं, ये ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश पूरी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीजों से बनाया है, एक जिस्म है एक रूह है, इन दोनों की ज़रूरियात अलग अलग है, जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी वो फरियाद करे। जिस्म को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, इनमें से जो चीज़ भी उसको नहीं मिलेगी वो फरियाद करे। रूह ना औरत को जानती है, ना रोटी को जानती है, ना पानी को जानती है, ना मौसीकी को जानती है। रूह एक अल्लाह का अम्र है जो सिर्फ अल्लाह को जानता है, उसे अल्लाह चाहिए, उसे अल्लाह का रसूल चाहिए। तो जिस्म को रोटी ना मिले तो वो परेशान होता है, रूह को जब अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक नहीं मिलता तो वो परेशान होती है, फिर वो परेशानी वीरानी बनकर जिस्म पे तारी होती है, फिर हम उसको दूर करने के लिए उससे और बड़ी अय्याशी में जाते हैं कि शायद अभी कुछ कमी है, वहाँ उसकी भूख और बढ़ती है, वो और फरियाद करती है, फिर हम उससे बड़ी अय्याशी में जाते हैं, फिर उसकी भूख और बढ़ती है, वो और फरियाद करती है। इस किस्म का मज़मून था, उसको ज़रा तफ़सील से था खुलासा ये। और
मैंने कहा उसकी मिसाल ऐसे है कि दर्द हो इस घुटने में और दवा लगे इस घुटने में, तो दवा भी जा रहा है और दर्द भी नहीं जा रहा। दवा लग रहा है, दर्द नहीं जा रहा। क्यों? जहाँ दर्द है वहाँ दवा नहीं, जहाँ दवा लग रहा है वहाँ दर्द कोई नहीं, तो आराम कैसे आएगा? तो ये बेचैनी करब ये तो रूह में है और हम उसे दूर करना चाहते हैं। जिस्म की ज़रूर, मौसीकी, खाना पीना, 5-star होटल, ग्लैमर, मौज मेला, प्रोटोकॉल, ये तो सब जिस्म की चीज़ें। रूह को इनसे क्या सरोकार? लेकिन जिस दिन उसे ग़िज़ा मिलेगी, एकदम मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी नज़र आएगा, साहिल भी नज़र आएगा, घाट भी नज़र आएगा और मंजिल मकसूद का भी पता चल जाएगा। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी और मैंने गालबन कहा कि आप कुछ तबलीग में जाना शुरू करें, 3 दिन लगाना शुरू करें। कहने लगा मैं कैसे लगाऊँ, मैं तो गाता हूँ, नाचता हूँ, डांस करता हूँ, तबलीग किस मुँह से करूँ? काबा किस मुँह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं कहा ये तो दवा है, तो पहले दिन दवा खाने से आराम आता है? मुसलसल दवा खाते 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 बीमारी दबना शुरू होती है, दबना शुरू होती है और अल्लाह ताला उसे ठीक कर देता है। ये दवा है, तुम शुरू करो, उसको सोचो मत कि मैं नाच रहा हूँ गा रहा हूँ, चल ठीक। कोई कबूलियत की घड़ी थी उस नौजवान की, उसने 3 दिन शुरू कर दिया। ये जमशेद उसका क्लास फेलो था, ये उसको सबसे पहले सलाम दुआ, ये तबलीग में लगा तो उसको अपने इसका ख्याल आया, उसको मिलना शुरू किया। फिर एक जगह पर आकर वो रुक गया, आगे नहीं ले जा पा रहा, तो अल्लाह ने उसमें मुझे ज़रिया बनाया, मुझे डाला। नवंबर 1997 में 4 महीने के लिए मेरी तश्कील हो गई अमेरिका, मस्तूरात की जमात, मैं और अहलिया और लाहौर की जमात थी। मैं लॉस एंजलिस में था तो मैंने इसे फ़ोन किया, तो उस ज़माने में ये CLI पर नंबर नहीं आता था, तो और ये इतने मोबाइल फ़ोन यहाँ इतने थे भी नहीं, दूसरे फ़ोन थे। तो मैंने इसका फ़ोन नंबर ले लिया था, तो मैंने इसे लॉस एंजलिस से फ़ोन किया। कहने लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं अमेरिका में हूँ, लॉस एंजलिस में। कहने लगा नहीं, मैंने कहा वहीं से हूँ, का कसम उठाएं, कसम उठाएं। मैंने कहा छोटी सी बात पे कैसे कसम उठाऊं? कहा नहीं ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा क्यों? अब मैं सारी दुनिया फिरता हूँ, कभी अपनी बीवी को फ़ोन नहीं किया, आप मुझे फ़ोन कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा यार तुमसे मोहब्बत हो गई थी इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ, बस इस एक फ़ोन ने ना उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाली। मैं जब ये हज पे जाता हूँ मेरा 60-70 हज़ार रुपया सिर्फ फ़ोन का बिल होता है, 3 हज़ार तकरीबन रियाल मेरा हर सफ़र में 15-20 दिन में मेरा फ़ोन का होता है कि मैं ऐसे ही फ़ोन करता रहता हूँ, फ़ोन करता रहता हूँ। वहाँ का फ़ोन वो हज़ारों बयानों से बढ़कर होता है। बयान तो छोटी सी चीज़, मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि तबलीग में बयान का उतना ही हिस्सा है जितना जिस्म में जबान का। 6 फुट के जिस्म में, 5 फुट 10 इंच, 8 इंच के जिस्म में 2 इंच की जबान है, का इतना ही तबलीग में जबान का हिस्सा है, बोल का, बयान का। बाकी लोगों को दिल लेने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन है। तो उस पर इतना असर हुआ इस बात का कि उन्होंने मुझे अमरीका से फ़ोन किया, तो फिर मैं उसे पूरे सफ़र में फ़ोन मिलाता रहा, अब यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ, अब क्या हाल है, अब क्या हाल है। तो अल्लाह ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी। फिर वो चिल्ले के लिए निकला, पहले उसने चिल्ला लगाया, 3 चिल्ले ने चिल्ला लगाया, रेमंड आया, मिला, मैंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बहुत प्यार मोहब्बत हंसा खेड़ा। तो करते 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 उसने 3 चिल्ले लगा, 3 चिल्ले के लिए निकल पड़ा। ये गालबन 2001 या 2, इसका मुझे पूरा याद नहीं है, तो उस वक्त ये 3 चिल्ले के लिए निकला।
तो उसने मुझे बालाकोट से फ़ोन किया कि मौलाना मैं इस वक्त बालाकोट की एक पुरानी मस्जिद है उसमें हमारी जमात है, बाहर फर्श टूटा हुआ है, उस पर एक फटी हुई चटाई है, उस पर मैं लेटा हुआ आपको फ़ोन कर रहा हूँ और जिस सुकून चैन को मैं 5-star होटलों में ढूंढता था वो मुझे यहाँ इस टूटी हुई मस्जिद और फटी हुई चटाई पे मिल चुका है। मुझे यूँ लग रहा है मैं हवा में उड़ जाऊँगा, बैन ही उसके ये अल्फाज। तो मैंने क्या जवाब दिया याद नहीं, लेकिन गालबन मैंने यही कहा कि अब रूह तक उसकी ग़िज़ा पहुँच गई तो मौज हो गई। ये इस नौजवान का इब्तदाई सफ़र था।